देखो वी लुकअप जो है एकदम से जबरदस्त फंक्शन है, ठीक है, और इसी की बात करेंगे हम। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि वी लुकअप को यूज तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें कोई ड्रॉप डाउन एक नजर आ रही है, ये देख सकते हैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन मैंने बनाया है। अब ये ड्रॉप डाउन में जो हम चूज करें, यानी कि यहाँ पर जो हम चूज करें, जैसे मान लीजिए हमने ये चूज कर लिया, अब देखिए ये नजर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर हम चूज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। नजर ना आने के पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर जो है राइट क्लिक करेंगे हम और यहाँ से जाएंगे कहाँ, फॉर्मेट सेल्स पर। ये फॉर्मेट सेल्स पे गए और यहाँ पर आते हैं तो ये देखिए यहाँ पर थ्री जो है सेमी कॉलन दिया गया, जिसकी वजह से नजर नहीं आ रहा है। इसको यहाँ से आप हटाइए और यहाँ पे जनरल रख दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए, अब ये नजर आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो सेलेक्ट करें वही चीज की पूरी डिटेल नजर आ जाए। तो ये कैसे होगा, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन लगाना होगा वी लुकअप। कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू वी लुकअप लगाते हैं, ये वी लुकअप हो गया, ब्रैकेट को ओपन किया। अब यहां पर कह रहा है ना लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमें D03 को ही खोजना है, कॉमा लगा देंगे और यहां से खोजना है। तो ये पूरा का पूरा टेबल एरे हमें सेलेक्ट करना है, F4 दबा के फ्रीज करेंगे। अब फ्रीज करने से क्या फायदा है, फ्रीज करने से क्या होगा, फ्रीज करने से देखिए कॉलम और रो दोनों फिक्स हो गए हैं, ठीक है, देख सकते हैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये दिख रहा है। अब क्या करना है, अब हमें यहां पर कॉलम नंबर देना है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहां पर देखिए यहां से हमारा डेटा शुरू हुआ है और यहां से ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, यानी टोटल कौन सा कॉलम है, पांचवा है। तो यहां 5 दे दीजिए और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देना है, कॉमा देकर के 5 और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 बंद करके और एंटर कर देना है। एंटर करते यहां 176 आ गया, लेकिन इसका क्या, यहां पर तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा स्पेशल करना पड़ेगा। लेकिन एक मिनट, यहां पर देखते हैं ये D03 है, अगर मैं D06 कर देता हूं तो भी यहां 176 ही बना हुआ है, जबकि देख सकते हैं कि D06 में 176 ही आया हुआ है। तो इसी वजह से शायद ऐसा हो रहा हो, तो क्या पता कि इसको चेंज करने पे कुछ परिवर्तन आया। देखिए यहां पर D05 जैसे ही किया तो यहां पे देखिए D05 वाले का पूरा डिटेल यहां पे आ रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये भी चाहिए। तो क्या हम इसको इस तरीके से ड्रैग कर देंगे तो शायद नहीं आ जाएगा क्या, इस तरीके से ड्रैग करने पर ये इस तरीके से आ जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते। तो इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, ये देखते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे और यहां लिखेंगे वी लुकअप, ये तो लिखना ही है आपको, ये लिख दिया हमने। और अब इसको सेलेक्ट करना है और इसके पहले हिस्से को हम करेंगे फ्रिज, यानी एच को हम डॉलर लगा के फ्रिज कर देते हैं, बना लेते हैं इसको मिक्सड सेल रेफरेंस, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद ये पूरा का पूरा टेबल एरे ही सेलेक्ट कर लेना है, ये टेबल एरे सेलेक्ट हो गया, F4 दबा के फ्रिज कर देंगे। फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे और यहां लगाएंगे कॉलम्स का फॉर्मूला, तो कॉलम है एक कॉलम्स है, तो आपको कॉलम्स लगाना है और इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसके पहले हिस्से को ही केवल करिएगा फ्रिज, और फ्रिज करके इस ब्रैकेट को करिएगा क्लोज, और ब्रैकेट को क्लोज करके कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए दे दीजिएगा 0 और एंटर प्रेस कीजिएगा। अब देखिए यहां पर अगर आप इसको ड्रैग करवा देते हैं तो यहां पर पूरी डिटेल, तो D05 अब हमें चेक करना है, पार्ले जी है, 10 रुपए प्राइस है और 8 पैकेट और 80 रुपए। अब यहां पर कमाल देखिएगा, यहां पर जैसे ही हम इसे चेंज करते हैं D07 कर देते हैं, तो ये D07 वाले पार्ले जी का पूरा डिटेल है। तो यहां पे देखिए D07 10 रुपए प्राइस है, 6 क्वांटिटी है और 60 रुपीज टोटल आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको यहां से चेंज भी कर देते हैं, जैसे ये यहाँ पे पार्ले जी लिखा है, कई जगह पार्ले जी हो गया है, तो हम इसको हटा देते हैं या फिर कुछ और इसके जगह दे देते हैं, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर चावल कर देते हैं, तो यहां पर अगर चावल कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर D07 क्या है, यहां पर देखिए पार्ले जी है, अगर मैं चेंज करता हूं यहां से तो ये देखिए जिस जो जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये फंक्शन आपको समझ में आया होगा, मैं एक बार फिर से इसको बताने की कोशिश करता हूं कि इसको आपको कैसे करना है। पहले तो ये टाइटल लेके आइएगा, टाइटल यहां से कॉपी हो जाएगा, इज इक्वल टू वी लुकअप लगाइए, ये हो गया वी लुकअप, ठीक है, और ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा और यहां पर लुकअप हमें इसे करना है, इसके पहले हिस्से को फ्रीज कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा इसके केवल पहले ही हिस्से को फ्रीज करना है, पूरे जो फंक्शन हम लगा रहे हैं इस पूरे फंक्शन में पहले ही हिस्से को फ्रीज करना है, कॉमा लगाना है, कॉमा लगा करके और टेबल एरे सेलेक्ट करना है, तो टाइटल छोड़ के बाकी सब सेलेक्ट कर दीजिएगा, F4 दबा के फ्रीज कीजिए, कॉमा लगाइए और कॉलम्स का फॉर्मूला आएगा, तो ये कॉलम्स हो गया, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहां पर ऊपर से इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और इसके पहले हिस्से को, यानी कॉलम्स जो फॉर्मूला है फंक्शन है,
इसके पहले हिस्से यानी कि h को केवल फ्रीज कर देना है और बस ब्रैकेट को करना है क्लोज और क्लोज करके कॉमा देके एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो देना और एंटर कर देना है। तो यहां पे देख सकते हैं यहां पे डेरिवेशन आ रहा है और इसको जैसे ही ड्रैग कर देंगे तो देखिए D09, अब D09 देखना है डेरिवेशन ही है, ₹50 प्राइस है, बिल्कुल सही है, और 8 है यहां पे क्वांटिटी, 8 बिल्कुल है और यहां ₹400 प्राइस है। तो जो यहां पे आप चेंज कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग अपने आप चीजें आ जाएंगी। देखिए यहां पे आ गया D07 वाला, D07 पार्ले जी है, ठीक है। यहां पर फिर क्लिक करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, D011 करते हैं तो ये भी पार्ले जी है, ठीक है। D012 करते हैं तो देखिए यहां पे चावल आ जाएगा, यहां पे 12 करते ही तो यहां पे गए और ये देखिए ये चावल आ गया, और यहां से जाएंगे तो फिर यहां पर D05 करेंगे, फिर पार्ले जी आ गया, ठीक है। जो भी यहां पे दे देंगे उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा, जैसे टाटा नमक आ गया, देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी कि वी लुकअप के साथ कॉलम्स का फॉर्मूला कैसे यूज होगा, ये आपको समझ में आई होगी बात। तो यही चीज एच लुकअप से करना होगा, तो एच लुकअप से आप हॉरिजॉन्टल लुकअप करेंगे। अब हॉरिजॉन्टल लुकअप करने का क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टल लुकअप करने का मतलब है कि यहां पर ये ड्रॉप डाउन हमने बनाया है, ठीक है, देख सकते हैं यहां पर इधर से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हम ऊपर से सेलेक्ट करेंगे, एच लुकअप यानी हॉरिजॉन्टल लुकअप हो जाएगा। तो आप इधर से सेलेक्ट कर रहे थे, अब इधर से सेलेक्ट करेंगे, तो एच लुकअप मैं नीचे लगा देता हूं। यहां पे देखिए एच LOOK के लुकअप हो गया, तो ये हो गया एच लुकअप। लेंगे अब लुकअप वैल्यू हम खोजना चाहते हैं, तो लुकअप वैल्यू मान लीजिए हम यही दे देते हैं, लेकिन लुकअप वैल्यू आपको ये नहीं देना है क्योंकि ये वी लुकअप में आप दे रहे थे, एच लुकअप में तो ये चेंज हो जाएगा। तो एच लुकअप में मान लीजिए हम प्राइस वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये प्राइस आप चाहे यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं या यहां से भी कर सकते हैं, दोनों में से कहीं भी कर सकते हैं क्योंकि हेडिंग तो सेम है आपकी, तो इस वजह से चाहे यहां से कर लीजिए या यहां से कर लीजिए, आप दोनों के लिए फ्री हैं, दोनों में से कहीं एक जगह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्राइस वाला ले लिया हमने, फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा के पूरा का पूरा टेबल एरे, पूरा टेबल एरे ही आपको सेलेक्ट कर लेना है। जबकि आपने वी लुकअप में देखा होगा कि हम यहां से सेलेक्ट कर रहे थे, ये जो है ना ये पोर्शन यहां से हेडिंग के एक नीचे वाले सेल से उठा करके सारी चीजों को सेलेक्ट कर ले रहे थे, यानी जहां तक हमारा डेटा है वहां तक सेलेक्ट कर रहे थे। लेकिन अभी क्या कंडीशन बनेगी कि ये पूरा ही आपको सेलेक्ट करना है, ये पूरा यहां तक, यानी कि ये पूरा ही आपको सेलेक्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो ये सेलेक्ट कर लिया, F4 दबा के फ्रीज करेंगे, कॉमा लगाएंगे और यहां पे रो इंडेक्स नंबर, तो किसका खोजना है, तो हमें खोजना है लाइक 1 2 3 4 चौथा खोजना है, तो यहां पे रो इंडेक्स नंबर जो भी देंगे उसी के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो ये 4 दे दिया, फिर कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देंगे, अब इसको बंद करेंगे, तो 4 का प्राइस आएगा यहां पे। तो यहां पर उसकी प्राइस आ जाएगी, तो देखिए यहां पर 4 रो कौन सा बनेगा, 1 2 3 4 यही बनेगा ना, तो ये इसकी प्राइस कितनी है, ₹22 है, तो ₹22 आएगा, तो यहां एंटर करेंगे तो ₹22 आएगा, तो देखिए ₹22 आ रहा है। और अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, 4 की जगह 5 कर देते हैं, तो क्या होगा, तो ₹50 आएगा। यहां पे देखिए, यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं, 5 किया तो एंटर किया तो देखिए ₹50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, आप चाहे तो मैच का भी यूज कर सकते हैं वी लुकअप के साथ, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।